छठे चरण के चुनाव से महज दो दिन पहले पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी लंबे ब्रेक के बाद राजनीति में एक बार फिर सक्रिय नजर आए। वरुण अपनी मां मेनका गांधी के लिए वोट की अपील करने के लिए उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर पहुंचे थे। उन्होंने सुल्तानपुर सीट पर अपनी मां मेनका गांधी के लिए वोट मांगे, लेकिन उनका ये प्रचार चर्चा में आ गया। चर्चाएं बीजेपी और वरुण गांधी के बीच बनती दूरियों की, तो क्यों वरुण ने बीजेपी से बनाई दूरी, क्या है इस दावे की सच्चाई, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी सांसद वरुण गांधी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल छठे चरण के मतदान से पहले वरुण अपनी मां मेनका गांधी के निर्वाचन क्षेत्र सुल्तानपुर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। यहां उन्होंने जनता से मेनका गांधी के लिए वोट करने की अपील तो की, लेकिन एक बार भी कमल का जिक्र नहीं किया और न ही बीजेपी का नाम लिया। इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वरुण ने बीजेपी से दूरी बना ली है। दरअसल पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी इस बार भी बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने वरुण की जगह जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बना दिया, जिसके बाद से वरुण बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। इसके बाद उन्होंने पार्टी के प्रचार से दूरी बना ली थी। अपनी मां के लिए प्रचार करने वो अंतिम दिन पहुंचे, जिस दिन चुनाव प्रचार समाप्त होने वाला था, लेकिन वरुण ने बीजेपी का पट्टा पहनने से परहेज किया। मंच से उन्होंने मेनका गांधी के लिए वोट तो मांगे, लेकिन एक बार भी बीजेपी का नाम नहीं लिया। उल्टा ऐसा बयान दे दिया जिससे दूसरी सीटों पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो रौनक अमेठी और रायबरेली में होती है, वही रौनक यहां भी आए। वरुण ने बीजेपी प्रत्याशी के प्रचार में अमेठी और रायबरेली का जिक्र करके एक तरह से कांग्रेस की ही मदद कर दी है, क्योंकि अमेठी और रायबरेली सीट अधिकांश समय कांग्रेस के कब्जे में ही रही है। दूसरी तरफ वरुण की बीजेपी से बढ़ती दूरी उनके सोशल मीडिया बायो से पता चल रही है। बीजेपी के सभी नेताओं के सोशल मीडिया पर जहां मोदी का परिवार लिखा हुआ है, तो वहीं वरुण के एक्स प्रोफाइल के बायो में कहीं भी पार्टी के नाम तक का जिक्र नहीं है। वरुण के एक्स पर लंबे वक्त से सन्नाटा नजर आ रहा है। वरुण ने चुनावी मौसम में पीलीभीत की जनता को चिट्ठी लिखने के बाद से कुछ पोस्ट तो नहीं किया है, लेकिन पीएम की ट्वीट जो उन्होंने रीपोस्ट की थी उसे भी हटा दिया है, जिसके बाद से ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि वरुण और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। भले ही वरुण ने खुलेआम बगावत नहीं की है, लेकिन उनके रवैये से पार्टी से उनकी नाराजगी जाहिर है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।